हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट इंडोर और आउटडोर प्लांट जिनको आप अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में कटिंग से लगा सकते हैं। तो कौन कौन से वो प्लांट हैं वही शेयर करूंगी इस वीडियो में, जिनकी कटिंग इस समय आसानी से लग जाती है, और मैं भी आपके साथ ही उनकी कटिंग आपको लगा के बताऊँगी, और कुछ जो है आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी जो मेरी कटिंग अच्छे से चल गई है। तो इन इस तरह के प्लांट के आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट डेकोरेटिव प्लांट, रबड़ प्लांट। तो देखिए, ये वेरिएटेड वाला रबड़ प्लांट है, और मैं इसकी आज कटिंग लगा के आपको दिखाऊंगी। और मेरा देखिए, ये दूसरा भी है, ये भी रबड़ प्लांट ही है। तो जो वेरिएटेड वाला है उसकी मेरे पास दो ब्रांच हैं उस प्लांट की, और ये थोड़ी सी लंबी भी हो रही है। तो इसको मैं आज काटूंगी यहाँ से और आपको कटिंग लगा के बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से कट जाती है, और देखिए इसके बीच से ये कुछ वाइट सा सैप निकल रहा है। और ये जो है, इसके ऊपर आपने फंगीसाइड पाउडर लगा देना है, और फिर जो हमारा प्लांट है वो फंगस की वजह से ख़राब भी नहीं होगा। और जो जो हमने कटिंग ली है इसके नीचे भी फंगीसाइड पाउडर लगा के, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है वो लगा सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा लगा के इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और देखिए, मैंने इसके ऊपर जो है फंगीसाइड पाउडर लगा दिया कि हमारी जो कटिंग है या जो हमारा प्लांट है फंगस की वजह से ख़राब ना हो। तो देखिए, मैं इसी गमले में ही इसकी कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये प्लांट भी छोटा ही है। और देखिए, इसके साथ ही जब कटिंग इसकी लग जाएगी तो एक बुशी प्लांट जो बन जाएगा। तो इसकी मिट्टी जो है बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से ये इसकी कटिंग जो है दो तीन नोड एरिया में इसके बीच में डाल दूंगी, मिट्टी के बीच में। नोड एरिया वहाँ होते हैं जहाँ से हमारे जो प्लांट के पत्ते टूटते हैं, जहाँ पत्ता होता है यहाँ, और यहीं से इसकी जो प्लांट की रूट भी बनती हैं। देखिए, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लगा दी है, और मैं अभी इसको पानी नहीं दूंगी, एक दो दिन के बाद मैं इसको पानी दूंगी, क्योंकि अभी इसमें से वाइट सा सैप निकल रहा है। प्लांट देखिए, एक आउटडोर प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है, और आसानी से आपको नर्सरी रूम मिल जाता है। और ये चांदनी का प्लांट है, वो भी डबल चांदनी का। और देखिए, इसकी कटिंग मैंने कोई एक महीना पहले लगाई थी, तो इसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था इसकी कटिंग लगा के। और देखिए, मेरी जो कटिंग वो चल गई है, और मेरे पास जो डबल चांदनी का प्लांट है वो ज़मीन में लगा हुआ है। अगर ये मेरी कटिंग अच्छे से सक्सेसफुल होगी तो मैं इसको गमले में लगाऊंगी। जो डबल चांदनी का प्लांट होता है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और देखिए, मैंने कटिंग जो है निकाल ली है ज़मीन से, और देखिए इसकी जो रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, मगर इसकी दो थोड़ी थोड़ी बड़ी रूट्स बनी हैं, और कुछ जो है छोटी छोटी रूट्स भी इसमें बनी है। मतलब ये कटिंग चल गई है, और देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। और अभी मैं इसको जो है गमले में भी लगा दूंगी, कि ये छोटा सा ही प्लांट है तो मैं इसको छोटे से ही गमले में लगाऊंगी। तो अभी मैं जहाँ से इसको ज़मीन से निकाला वहाँ नहीं लगाऊंगी। और देखिए, मैं ये छोटा सा गमला लिया है, 2-3 इंच का ही गमला है, और देखिए मैंने इसको लगा भी दिया। और इसको मैं पानी दे के रख दूंगी ऐसी जगह जहाँ कुछ समय की इसको धूप भी मिले और अच्छी ब्राइट लाइट भी मिले, और ज़्यादातर वह छाया वाला एरिया ही हो, क्योंकि ये कटिंग अभी इतनी स्टेबल भी नहीं है, और अभी मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है। तो डायफनबेकिया की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, मैं 2-3 दिन पहले ही इसकी कटिंग लगाई है। तो जब मैंने इसको काटा तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, और देखिए जहाँ से मैंने काटा है वहाँ से इसकी 2-3 शूट्स निकल जाएगी कुछ दिनों में। और इसके ऊपर मैंने फंगीसाइड पाउडर लगाया हुआ है, और जो देखिए जहाँ से काटा इसको भी इसी के साथ ही लगा दिया है। तो क्योंकि ये जो प्लांट हैं, जब इनकी थोड़ी सी ये एज हो जाती है, जो 1-2 साल जो पुराने हो जाते हैं, तो फिर इनको ऊपर से काटना ही पड़ता है, क्योंकि इनके जो साइड साइड से जो है नए प्लांट निकलते हैं, और हमारा जो कटिंग से प्लांट है वो भी तैयार हो जाता है। तो इस समय अगर आपका प्लांट जो है डायफनबेकिया का थोड़ा सा लैगी हो रहा है, तो उसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ से काटेंगे वहाँ से भी न्यू शूट्स निकलेंगे। और देखिए, ये छोटा सा प्लांट जो आपको दिख रहा है, ये भी मैंने इसी प्लांट से ही कटिंग से तैयार किया था पिछले साल। तो अभी मैंने इसको छोटे से गमले में लगा दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं आसानी से। ऑलरेडी ही चैनल पे मेरी इसकी वीडियो है कैसे डायफनबेकिया को कटिंग से लगाना है। ये है रिबन ग्रास, और इसमें फूल भी खिलते हैं समर सीजन में। और ये आप जो छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, मैंने इससे ही तैयार किया है, ये इसका मदर प्लांट है। क्योंकि जब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसके समर सीजन में इस तरीके से साइड साइड्स के से इसके बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकलते हैं। तो इनको सेपरेट करके, आप मेन प्लांट से सेपरेट करके इनको छोटे गमले में लगाएंगे, तो बहुत ही ईजिली आपका जो प्लांट है न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसके साथ रूट्स होंगी तो भी अच्छा है, अगर नहीं होंगी तो भी अच्छा है। ये कटिंग इसकी बहुत ही ईजिली चल जाती है, और नर्सरी से लेने जाएंगे तो ये आपको 60-70 रुपये का प्लांट मिलता है। जब मैं लाई थी ये मुझे 60 रुपये का मिला था,
कहीं इसका रेट ज़्यादा कहीं कम भी हो सकता है। और देखिए मैं इसी के ही गमले में इसकी जो है जो मैंने प्लांट मेन प्लांट से सेपरेट कर किया उसी को इसी में ही लगा दूंगी। इसके साथ थोड़ी सी रूट्स है, अगर रूट्स ना भी हो तो भी इसकी कटिंग लग जाती है। इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है प्लांट को, अगर जब हम कटिंग भी लगाते हैं उनको भी धूप में नहीं रखना होता है, सेमी शेड एरिया में रखना होता है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आए। और अगर गमले की मिट्टी सूखी हो तो उसको पानी देना है, गीली हो तो फिर कटिंग को ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है। और इस तरीके से जो कटिंग है बहुत ईजिली लग जाती है। ये मैं प्लांट मैंने कोई 1 या 2 महीने पहले बनाया था। तो जैसे अभी गर्मी कम हो रही है और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आने लगी है तो इस समय आप कैलांचू की कटिंग लगा सकते हैं। कैलांचू अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसकी कटिंग लगा के आप 1 से ज़्यादा प्लांट बनाइए इस समय, और आपको जो है इसी सीजन में इससे फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसकी छोटी छोटी कटिंग चल जाती है, चाहे देसी हाई कैलांचू हो चाहे हाइब्रिड हो, इसमें बहुत सारे कलर में प्लांट मिलते हैं नर्सरी पर। अगर आपके पास प्लांट बिल्कुल ही नहीं है तो आप नर्सरी से नया प्लांट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसकी छोटी छोटी ब्रांच लेके अपने नए प्लांट भी कटिंग के थ्रू बना सकते हैं। और देखिए मैंने इसकी 1 कटिंग लगाई थी तो आज वो मेरी कटिंग चल गई है, और मैं इसको गमले में लगा के बताती हूँ आपको। और इनके लिए जो मिट्टी होती है वो वेलड्रेन ही लेनी होती है, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद होनी चाहिए। और इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इनको रखना होता है 1-2 घंटे की धूप में, और बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट और छाया हो। जैसे जैसे सर्दी सर्दी आने लगे तो फिर आप इनको धूप में भी रख सकते हैं, मगर गर्मी के दिनों में जैसे अभी बहुत धूप पड़ती है तो इनको ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना होता है गर्मी के सीजन में। तो देखिए अक्टूबर मंथ में आप स्नेक प्लांट से जो मेन प्लांट होता है उसका डिवाइड करके भी नए प्लांट बना सकते हैं, और सिंगल लीव लगा के भी आप अपने स्नेक प्लांट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने सिंगल लीव्स लगाए हुए हैं और उनमें से देखिए बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं। ये होता है कि अगर आप वेरिएटेड लीव्स वाला प्लांट लगाते हैं, उसकी पत्ती लगाते हैं, तो उसका जो प्लांट है वो नॉर्मल ही निकलता है, वेरिएटेड नहीं निकलता है। यही नुकसान होता है थोड़ा सा, बाकी नहीं तो सिंगल लीव से भी ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं स्नेक प्लांट के। तो देखिए मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ, एक में प्लांट है, दूसरे में छोटा बेबी प्लांट्स है, और तीसरे में एक जड़ आ रही है। नेक्स्ट प्लांट देखिए ये मोगरे की कटिंग मैंने लगाई थी और मोगरे की कटिंग भी चल गई है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स तो नहीं बनी है, मगर 3-4 इसमें रूट्स बन गई हैं, और ये भी मेरा एक कटिंग लग गई है। मेरा मोगरे का प्लांट जो है वो ज़मीन में लगा हुआ है और इसको मैं गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो मोगरे की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है इसकी कटिंग। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, और मैंने इसका पूरा वीडियो भी शेयर किया है मेरे चैनल पे, इसका वीडियो भी है सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग कैसे लगानी है। और देखिए इस तरीके की कोई भी आप छोटी बड़ी कटिंग ले लीजिए, हार्डवुड होनी चाहिए, बहुत न्यू ब्रांच नहीं होनी चाहिए इसकी, थोड़ी सी हार्डवुड होनी चाहिए, और मिट्टी होनी चाहिए गार्डन सॉइल, रेत, और कटिंग लगाने के लिए खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब प्लांट थोड़ा सा रूट्स उसमें आ जाए फिर खाद डालिए आप। और देखिए इस तरीके से कटिंग आप लगा सकते हैं, और मैंने अपने मेन प्लांट से इस तरीके से ही कटिंग लगा के 2 प्लांट तैयार किए हैं। और इसकी कटिंग लगाने से पहले आपने जो प्लांट की कटिंग आप लेते हैं उसको 10-15 दिन के लिए पानी में रखना है, फिर आपने उसको मिट्टी में लगाना है। तो देखिए ये जो मेरा प्लांट आप 2 देख रहे हैं दोनों कटिंग से बनाए हुए हैं, और एक तो 1-1.5 साल पुराना है, एक तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही लगाया है, ये 1.5 महीना पहले। तो ये देखिए ये जो मैंने कटिंग आपको लगा के बताई, और यहाँ से देखिए मैंने इसको काटा था वहाँ से न्यू शूट्स भी निकल रहे हैं, 2 शूट्स निकल रहे हैं इसके। ये देखिए एक तो थोड़ा विजिबल भी हो रहा है, दूसरा भी कम विजिबल हो रहा है। तो बहुत ही इजीली ये कटिंग से लग जाता है, और जहाँ से हम ब्रांच काटते हैं हमारा प्लांट जो है 2 ब्रांच निकालता है और हमारा प्लांट बुशी हो जाता है। तो एग्लोनिमा की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। देखिए मैंने जो अपना एग्लोनिमा का प्लांट काटा था वहाँ से न्यू शूट्स निकल रही हैं और इसकी जड़ों से बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो एग्लोनिमा जो है अपनी जड़ों से बेबी प्लांट्स भी निकालता है जब थोड़ा सा डिवेल्प हो जाता है, तो साथ में जो उसकी कटिंग हम काटते हैं वहाँ से भी न्यू शूट्स निकलती हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा सा प्लांट, तो ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो कुछ जो देखिए मैंने कटिंग पानी में रखी है, तो इनकी भी ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको, पानी में देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और इनमें रूट्स भी बन रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही हैं, अभी ज़्यादा रूट्स इसमें दिख नहीं रही हैं, थोड़ी थोड़ी जो रूट्स हैं वो विजिबल हो रही हैं। तो पानी में रख के कुछ 15-20 दिन या महीना या उससे भी ज़्यादा रखना पड़ता है, फिर इसमें जो है रूट्स आती हैं एग्लोनिमा में। पानी जो है आपने चेंज करते रहना है, हफ्ते में 1 या 2 बार इसका पानी चेंज करना है, पुराना पानी
फेंक के फिर आपने दूसरा पानी इसमें डालना है, फ्रेश वाटर। तो ये हवर्थिया है, जैवरा हवर्थिया, ये भी प्लांट कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। इसकी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उन्हीं से आप एक जो है साइड से छोटा सा प्लांट लीजिए, उसको सेपरेट गमले में लगाइए। उसके साथ कभी कभी रूट्स होती हैं, तो रूट ना भी हो तो भी ये प्लांट चल जाता है। देखिए इस तरीके से आप लगा दीजिए प्लांट छोटे से गमले में, इसको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा डेवलप होगा फिर ये अपनी साइड साइड से जो है न्यू प्लांट निकालता है, और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाता है। इसको भी ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है, और ऐसी जगह रखना होता है जहाँ सुबह की 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए, बाकी समय सेमी शेड एरिया हो, दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। तो ड्रेसिना कोई भी टाइप हो, आप ड्रेसिना की भी समय कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग जो है चल जाती है। और देखिए ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से तैयार किया है कोई 1-1.5 महीना पहले। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।